नाइन टेंथ के जो बच्चे हैं, जो नाइन्थ टेंथ के बच्चे हैं, ध्यान से आज का जो मैथ का टॉपिक क्या है, हम सीख रहे हैं सेवन्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सभी को पता है सेवन्थ चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में आज का जो टॉपिक है, आज आपने क्या करना है, कल हमने अभी तक हमने दो फॉर्मूले कर लिए। कौन से? सबसे पहले हमने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालना हमने सीख लिया। और आगे क्या सीखना है, आगे आपने क्या सीखा है इसमें, सेक्शन फॉर्मूला सीख लिया। सेक्शन फॉर्मूला जो इस चैप्टर का बोल्ड बोल्ड काम है, जो मतलब हाईलाइट काम है, उसमें क्या है, एक इसका डिस्टेंस फॉर्मूला, एक इसका सेक्शन फॉर्मूला, और एक चीज आपने और सीखनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आज का आपका टॉपिक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने कैसे निकालना है, तो थोड़ा सा उसकी तरफ आप ध्यान दो। बेटा फेयरली बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के आपने पहले भी जब 8th 7th में आपने बहुत से मेथड सीखे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना कैसे निकालते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले बात करें तो कितने तरह की ट्रायंगल होती है और उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बात करें, अगर कोई ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें क्या है, उसमें हमें एक 90 डिग्री का एंगल दिया होता था, एक इसका एल्टीट्यूड होता था, मतलब जिसको परपेंडिकुलर कहते थे, और एक इसका बेस होता था। तो हम फार्मूला लगाते थे 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने की फॉर्म थी। उसके बाद बारी आई जब इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला था, स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। कोई भी साइड एक साइड भी होती थी तो उसको साइड को साइड की जगह पुट करते थे तो उसका आंसर आ जाता। और आगे जो बच्चे अब 10th में हुए हैं, उन्होंने 9th में एक फॉर्मूला किया जिसको हीरोन फॉर्मूला कहते थे। हीरोन फॉर्मूला क्या था, S-A, S-B, S-C, शायद आपको याद होगा। S की वैल्यू क्या थी, A+B+C/2। A+B+C का मतलब जो भी ट्रायंगल दी होती थी उसकी जो तीनों साइडों का जोड़ अपॉन टू, वो S की वैल्यू होती थी और ABC उसकी साइड होती थी। लेकिन इस चैप्टर में 10th में हम एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, किस कंडीशन पे ये फॉर्मूला लगेगा। हमने अब तक जिस ट्रायंगल का एरिया निकाला है उसका हमें ना कोऑर्डिनेट नहीं दिया हो। अब जब हमें कोई साइड ना दी हो, कोई एंगल ना दिया हो, हमें इसके कोऑर्डिनेट दिए, जैसे ABC हमने मान लो इसके ये तीन कोऑर्डिनेट दिए, ठीक है, इसके तीन कोऑर्डिनेट दिए, मान लो ये 1, 2 है, ये 3, 4 है, ये 5, 7 है, कोई भी तीन कोऑर्डिनेट दिए हो, तो तब इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे, तो वो क्वेश्चन हम आज समझते हैं। क्योंकि इस तरह का कोई भी फार्मूला हमने नहीं किया जब कोऑर्डिनेट से आप इसका एरिया निकालें। तो इसका एरिया निकालने का क्या मेथड है, कैसे आपने एरिया निकालना है, ऊपर दिया होगा आपको हेडिंग क्वेश्चन का, क्वेश्चन का हेडिंग दिया, आपको तीन पॉइंट दिए होंगे। जैसे मैं तीन पॉइंट मान लेता हूँ, A 2, 3 है, B 1, 5 है, और C -1, 3 है। ये आपको तीन पॉइंट दिए है और इसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो तीनों पॉइंटों को मिला के कोई भी ट्रायंगल बन गई है, उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकाल कर बताओ। तो आपने कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखोगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिखने के बाद आपने क्या डालना है, 1/2 डालना है, क्या 1/2 आपने लगाना है। उसके बाद आप एक ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, जो कि बड़ी ब्रैकेट, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इस तरीके से आप एक ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना आपने, इसमें जो ना अवशिष्टा है, अवशिष्टा आपको पता ही है कौन कौन से अवशिष्टा है, एक 2 अवशिष्टा है, एक 1 अवशिष्टा है और एक -1 अवशिष्टा है। पहले तो आपने अवशिष्टा नोट कर लिया, तो पहले का अवशिष्टा है आपके पास 2, तो आपने 2 नोट करके ऐसे ब्रैकेट लगाकर छोड़ देना है इसको। आगे क्या करना है, प्लस का सिंबल, आगे आपने प्लस का सिंबल डालना है,
नेक्स्ट अभिसीसा नोट करना है, उसको ब्रैकेट लगाकर छोड़ना है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट अभिसीसा लगाना है, फिर एक ब्रैकेट लगाकर आपने गोल ब्रैकेट लगाकर वो छोड़ देना। फिर जो ये बड़ी ब्रैकेट थी उसको आपने क्लोज कर लें। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, फिर बीच में ना माइनस लगाना है, बिल्कुल सेंटर में आपने माइनस लगा। फिर आगे क्या करना है, बीच में जो वैल्यू पुट होगी ना वो हमारी कोऑर्डिनेट होंगे, एक कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ, ऐसे एक कोऑर्डिनेट यहाँ, एक कोऑर्डिनेट यहाँ। अब जिसका हमारे नोट हो चुके, तो अब इसको छोड़ो, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से, कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक 3, एक 5, एक 2। तो ये कैसे नोट होगा, ध्यान से देखो। पहली बात, जहाँ से आपने अभिसीसा उठाया है, देखो पहला अभिसीसा कहाँ से आया है, ए पॉइंट में से, तो इसको लगा दो क्रॉस। पहला अभिसीसा यहाँ से आया तो इसको लगा दो क्रॉस। इससे नेक्स्ट वाला ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 5, तो पहले आप लिखोगे 5। तो इसके बाद वाला ऑर्डिनेट क्या है आपके पास, 2, तो फिर आएगा आपका 2। ठीक है, अब आपने अभिसीसा कहाँ से उठाया, 1। अब इसको करो इरेज, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आपने अभिसीसा कहाँ से उठाया, बी पॉइंट, तो बी पर लगाओ क्रॉस। तो इसका नेक्स्ट जो ऑर्डिनेट क्या है, इसका नेक्स्ट ऑर्डिनेट है हमारे पास 2, तो यह आएगा 2। तो 2 के बाद जो ऑर्डिनेट क्या है वो है 3, तो आप लिखोगे 3। ठीक है, समझ आ रही है। आगे क्या है, उसके बाद आप देखोगे माइनस 1 अभिसीसा कहाँ से लिया हमने, माइनस 1 अभिसीसा यहाँ से लिया, तो इसको लगाओ क्रॉस। तो इससे नेक्स्ट ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 3। तो 3 के बाद ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 5, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5। आई थिंक समझ आ रही होगी आपको। तो आगे आपने क्या करना है, इसको करना है सोल्व। तो कैसे सोल्व करोगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है आपने, 5 में से 2 गए, आपके पास मल्टीप्लाई में 3 बच गया, 1 मल्टीप्लाई में 2 में से माइनस, 2 में से 3 गए तो ये माइनस 1 बचेगा, फिर प्लस का सिंबल, माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 में से माइनस 5 गए तो माइनस 2 बचेगा। तो 1/2 हमारे पास 3 × 2 = 6 हो गया, प्लस माइनस, माइनस 1 आ जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का निशान ही रहेगा, 2 × 1 = हमारे पास आ गया 2। 1/2, 6 × 2 कितने हो गए, 8, 8 में से 1 गए 7, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 7/2 यूनिट। तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया, 7/2 यूनिट। ऐसे हमने ये एरिया निकालना सीखना है। तो दो सम और करते हैं, तो इसके बाद आप ट्राई कर लेना, अगर नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट करने के बजाय बाद में आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना बेटा। फेयरली काम करो अच्छे से, अब जब काम करने ही लगे हैं, जैसे वीडियो देखने ही लगे हैं, तो अच्छे से देखो, टाइम पास के लिए मत देखो इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो जब मर्जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सम ट्राई करने के बाद आप कॉन्टैक्ट करना, सम ट्राई करने से पहले कॉन्टैक्ट करने का कोई फायदा ना ही मैं समझा पाऊंगा ना ही आप समझ पाओगे। और एक और बात, अपना काम ना, जैसे मैं एक बात समझता हूँ, वीडियो डालने में देरी हो जाती है कई बार, तो कई बच्चे कहते हैं सर वीडियो हमें पहले चाहिए बाद में चाहिए, तो बेटा कई बार कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिस कारण मैं वीडियो पहले डाल ही पाता, तो आप को जब भी टाइम मिले दिन में तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। और एक और बात, जो बच्चे वीडियो देखने के बाद भी काम कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से गुड लक, क्योंकि शायद वो पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, उनसे छोड़ो और आप अपनी स्टडी पर ध्यान दो जो ये वीडियो देख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन से, नेक्स्ट एग्जांपल से। तो हमने कहाँ तक सीख लिया, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख लिया, और इसको हम थोड़ी और क्लैरिटी के साथ देखते हैं। एक और एग्जांपल नोट करते हैं, जैसे मैंने माना 2, 1 भी आप बोल दो कोई पॉइंट, -5, 3 बोल दिया जैसे, और एक पॉइंट कोई मर्जी पॉइंट बोल दो जैसे -1, -2 बोल दिए, माइनस वाले लेते हैं, जैसे आपकी माइनस की प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी कहाँ पर आपको माइनस लगाना है और कहाँ पर माइनस नहीं लगाना है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने बोला है आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे लिखना है आपने, पहले आप लगाओगे 1/2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट,
फिर मैंने कहा क्या कहा है आपको, पहले आपने अब शीशा नोट कर रही है, सबसे पहले अब शीशा नोट करो इससे। अब शीशा होता है एक्स एक्स वाली वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में हमने क्लियर किया था अब शीशा और ऑर्डिनेट चैरीज होते हैं। तो अब शीशा हमने नोट किया, यहाँ अब शीशा टू है तो मैंने एक ब्रैकेट लगाकर छोड़ दिया, यहाँ अब शीशा माइनस फाइव है फिर मैंने एक ब्रैकेट लगाकर छोड़ दिया, और यहाँ अब शीशा हमारे पास माइनस वन है तो मैंने अब ब्रैकेट लगाकर छोड़ दिया, और एंड में हम मैंने बदला दिया। बाद में मैंने बीच में एक सिंबल लगाया माइनस का, माइनस का सिंबल लगाने के बाद अब मैंने ऑर्डिनेट फिट करने हैं। ऑर्डिनेट कैसे फिट करने हैं, पहले देखो आपने टू ये कहाँ से लिया, कौन से पॉइंट में से टू लिया, टू मैंने लिया ए पॉइंट में से, तो इसको लगा दो थ्रो। इससे नेक्स्ट वाला ऑर्डिनेट क्या है, अब शीशा नहीं, अब शीशा तो नोट हो चुका है, ऑर्डिनेट देखना है आपने, ब्रैकेट में हमेशा ऑर्डिनेट ही देखने, तो ये ऑर्डिनेट है हमारे पास थ्री, तो इससे नेक्स्ट वाला ऑर्डिनेट क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू है तो माइनस टू आपने यहाँ लगाना। अब आगे देखो आगे क्या है, माइनस फाइव क्या है, माइनस फाइव हमने बी से नोट किया है तो इस पर आप क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगाया तो इससे नेक्स्ट वाला जो ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास माइनस टू है, इससे नेक्स्ट वाला ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास माइनस टू, और इससे नेक्स्ट वाला ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास वन, तो आपने यहाँ वन लगा दिया। आगे क्या है, माइनस वन आपने कहाँ से नोट किया है, माइनस वन आपने उठाया है थ्री पॉइंट में, तो सी पर अगर जब आप क्रॉस लगाओगे तो इससे नेक्स्ट वाला ऑर्डिनेट क्या है आपके पास वन, तो इससे नेक्स्ट ऑर्डिनेट क्या है आपके पास थ्री। तो ये लगता है आपको समझ आ रही होगी कैसे आपने पॉइंट फिट करने हैं, बिल्कुल आराम से फिट करने हैं, जहाँ माइनस है वहाँ आपने माइनस लगाना है, तो बिल्कुल आराम से सोल्व करो केयरली, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। कैसे सोल्व करना है, जैसे देखो फास्टली सोल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और थ्री और टू कितने होंगे फाइव, माइनस लगा दो एक बार, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस थ्री बन जाएगा, वन में से ठीक है ये बन जाएगा माइनस टू, ब्रैकेट क्लोज कर दो, वन बाई टू, फाइव टू का टेन, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ सिक्सटीन आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ टू आ गया। अब इसको सिंपली ऐड कर दो, ऐड करने के बाद ये क्या बनेगा, ये ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सेवन बन जाएगा, तो ये कितना आंसर आ गया, ट्वेंटी सेवन अपॉन टू यूनिट। तो हम ऐसी कोई गुंजाइश ही छोड़ेंगे जिससे आपको कोई काम समझ ना आए, तो आपने बिल्कुल धीरे धीरे समझना है, आराम से समझना है बिल्कुल। तो ये तो थे आपके, आप वीडियो रिवाइंड करके धीरे धीरे सीख लेना, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। इसके साथ ना छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझो, मेरे साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझो, एक नया वर्ड और समझो, क्या मैं कहने जा रहा हूँ देखो ध्यान से बेटा, एक ना वर्ड आता है कोलीनियर, 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 कोलीनियर का मतलब क्या होता है, कोलीनियर का मतलब होता है जो आपके पास तीन पॉइंट दिए हों, जो आपके पास तीन पॉइंट दिए हों वो एक ही लाइन में होना, एक ही दिशा में, एक ही लाइन में। आप ध्यान से सोचो बिल्कुल बच्चों की तरह, अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन में है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, तो ट्रायंगल बन सकती है क्या, ट्रायंगल बनेगी नहीं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में कैसे ट्रायंगल बना लोगे तीन पॉइंट। अगर पूछूं मैं, देखो तीन पॉइंट एक ही लाइन ट्रायंगल तो बन नहीं सकती, इसका मतलब जब आप तीनों जो क्लीनियर पॉइंट है उनका जब ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, ट्रायंगल तो बन नहीं रही, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा भाई, तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं रही क्योंकि पॉइंट क्या है हमारे पास क्लीनियर है, तो क्लीनियर पॉइंट्स को, अगर क्लीनियर पॉइंट्स का आप जब एरिया निकालोगे तो उसका एरिया क्या है, क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा। तो मैंने ऐसा क्यों बोला है, क्लीनियर पॉइंट क्यों समझाया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखो। देखो आपके पास अगर तीन पॉइंट दिए हों, जैसे कोई भी पॉइंट दिए हों, मैं आपको दूंगा होमवर्क में दूंगा आपके, आपको आपको तीन पॉइंट दिए हों, मैं पूछूंगा पॉइंट क्या है, क्लीनियर है या नहीं, कोलिनियर है या नहीं, यस और नो आपने बताना है। तो आप क्या करोगे, पहले तो इसका एरिया निकालोगे, जैसे जैसे हमने समझा, आप जब इन तीनों पॉइंट्स का एरिया निकालोगे, अगर वो एरिया जीरो आ गया, इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है तब भी एरिया जीरो आया, तो अगर इसका एरिया जीरो आ जाए इट मीन्स ये यस हो गया, ये कोलिनियर है। अगर इसका एरिया कुछ ना कुछ और आ जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है एरिया, चाहे वो वन नहीं आए, चाहे टू आए, चाहे कुछ ना कुछ एरिया आ गया, इट मीन्स ये कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो आ जाएगा। मान लो आपने तीन ट्रायंगल का एरिया निकाला, वो आपके आ गया ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री,
या 26/2 आ गया, जैसे कुछ भी मान लो एरिया आपके पास इतना आ गया, तो ये कुलीनियर नहीं हुआ, ये क्या हो गया, नॉन कुलीनियर। तब आप क्या कर दोगे, नो ये कुलीनियर नहीं है, ये नॉन कुलीनियर है। अगर आपने इसका एरिया निकाला वो एरिया आ गया 0, तब क्या कहोगे, ये कुलीनियर है, तो यस हो जाएगा। तो बात समझ आ गई, ऐसे आपने ये कम करना। तो ध्यान से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखो, कोई सब काम नहीं है, मैथ आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बन जाएगा, बेस भी बना दूंगा आपका। तो बेटा ध्यान से आप एक अपनी कॉपी लगाओ, देखो एक ना अपनी रफ सी कॉपी लगा लो, क्योंकि क्या हो रहा है, जब आप कोई भी काम समझते हो, वीडियो एक बार देख ली, एक बार मैंने काम दे दिया, एक बार हो गया, समझ आ गया, सर से चेक करवा लिया, ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप एक कॉपी लगाओ, कॉपी मैं ही नहीं कह रहा भी, आप बाजार से खरीद कर कॉपी लगाओ, आपके पास घर में पड़ी होगी, किसी की क्लियर कॉपी पड़ी होगी, जो पुरानी हमारी क्लास है उसकी कोई हिंदी पंजाबी किसी की भी आपकी जो रफ कॉपी पड़ी होगी, उसमें पीछे कुछ पेज होंगे, आप आगे वाले पेज क्लोज करके नया पेज एक लगाओ मैथ का, उसमें अपनी क्लास नोट करो, वो क्लास में आप फिर रिवाइज चैप्टर स्टार्ट कर दो, जो थर्ड चैप्टर है, जो जो आपने उसमें सीखा है लीनियर, उसमें जो चार फॉर्मूले सीखे हैं उसको नोट करो, उसके बाद सेवन चैप्टर में आपने जो जो सीखा है उसको नोट करो, मतलब एक सीक्वेंस में रखो, ताकि आपको दोबारा देखने में दिक्कत ना आए। तो ठीक है बेटा, आज का ये आप मुझे काम करके दो, सामने। ठीक है।